महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए रीवा जिले के मऊगंज में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया, जिसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा उन्हें उनके कानूनी अधिकार बताए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिलाओं के विधिक अधिकार एवं शिक्षा के संबंध में मऊगंज में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इस मौके पर वहां मौजूद अतिथियों के द्वारा महिलाओं को कानूनी अधिकारों और उनकी शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर वहां मौजूद सैकड़ों महिलाओं को संबोधित करते हुए राहुल कुमार नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज, ने कहा कि नारीवादी लेखिका सिमोन द बोवार का एक बेहद प्रसिद्ध कथन है, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। उनके अनुसार परिवार और समाज के द्वारा ही एक बच्चे में स्त्री होने के गुण भरे जाते हैं। महिलाओं को उनके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी अधिकार के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, यह विधिक साक्षरता शिविर केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक सोच है जिसके माध्यम से हर उस नारी को जागरूक करना है जो अभी भी बंधनों से बंधी है। इसके साथ ही श्री नामदेव ने हाल ही में हुई बलात्कार की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हम सबके होते हुए भी इस तरह की घटनाएं सरेआम समाज में घटित हो रही हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जागरूक हों, क्योंकि जब महिलाएं जागरूक होंगी तो वह अपने पूरे समाज को जागरूक कर देंगी। एक बच्चे को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ पूरे समाज में अच्छा संस्कार देने का कार्य महिलाएं कर सकती हैं। एवं यहां उपस्थित समस्त मातृशक्तियों में नमन करता हूं। आज जैसा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम महिलाओं के कानूनी अधिकार, उनके विकास एवं उन्नति के संबंध में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। कई बार मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक सतत विचारधारा है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो सदियों से क्रमशः चलती आ रही है, बढ़ती आ रही है। इस संबंध में 20वीं शताब्दी की प्रसिद्ध नारीवादी फ्रांसीसी लेखिका श्रीमती सिमोन द बोवार ने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती। उसका रीजन था कि अगर कोई स्त्री है, वह योग्य है, वो कार्यक्षम है, तो उसको एक समाज के सांचे में ढाल दिया जाता है, उसको अपने रूप बना दिया जाता है, जिससे उसकी खुद की प्रतिभा कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है पुरुष या स्त्री होने से पहले कोई भी व्यक्ति एक इंसान है, राष्ट्र का नागरिक है। कोई भी एक राष्ट्र एक रथ के समान होता है जिसमें एक पहिया पुरुष और एक पहिया स्त्री का होता है। समाज में लगभग 50% भागीदारी स्त्रियों की होती है। अगर एक पहिया शिक्षित है, दूसरा नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्र का विकास हो सकता है। इस संबंध में हमारे भारत में, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, राजनीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत यह बताया गया है कि स्त्रियों को समानता का अधिकार है। उन्हें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिकार किया गया है। ऐसी प्रथाओं के त्याग करने के संबंध में बातें कही गई हैं, कथन किया गया है जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ है, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा। मुझे ऐसा लगता है कि ये देश दुर्गा का देश है। मुझे नहीं लगता कि स्त्रियों को यहाँ पर्दा प्रथा या पर्दा नशीन होने की आवश्यकता है। हम माता गार्गी, माता सीता और बड़ी बड़ी हस्तियों को पूछते हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि आज हम स्त्रियों के प्रति समाज में ऐसी भावना है? इसके लिए आवश्यकता है कि हम समाज के ग्रास रूट लेवल पर जाएं, अंतिम व्यक्ति तक हम जाएं, उसे महिलाओं के सम्मान, उनकी गरिमा, उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा के संबंध में जागरूक करें। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सिर्फ एक कार्यक्रम आयोजित होने से किसी भी उद्देश्य की सफलता नहीं होती। इस कार्यक्रम के पश्चात जब हम ये संकल्प लें कि हम वास्तव में स्त्रियों को और जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनको शिक्षित करेंगे, अगर कुछ आर्थिक सहायता होगी तो हम उन्हें पहुंचाएंगे। विधिक साक्षरता शिविर का भी यही उद्देश्य शुरू से रहा है। इस संबंध में कई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई जो है न्यायिक निर्णय जो है समय समय पर दिशा निर्देश उनमें जारी किया गया है, जिसमें कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये शो करती है इस बात को कि आज की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और वो आगे समाज में हर क्षेत्र में अग्रणी हो रही हैं। आज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है। मैं जानती हूँ कि आप लोग अवेयर हैं और अपने अधिकारों के लिए आप लोग बहुत ज्यादा सजग हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज का एक पहलू ऐसा है
जहां पे महिलाओं का कहीं ना कहीं मानसिक, शारीरिक या अन्य स्तर पे शोषण होता रहता है। अगर नहीं होता तो हमें कभी भी लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी लॉ हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, उनसे आप लोग भलीभांति अवगत हों। जैसे कुछ लॉ हैं, हमारे यहाँ महिला आती भी हैं, फिर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए 125 का। हर एक पत्नी का यह अधिकार है कि वो अपने पति से, यदि वह उसके साथ नहीं रह रहा है, तो वो उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है। न केवल बाप बल्कि उसके सारे बच्चे जो कि अडल्ट नहीं हुए हैं, तो आप उनके लिए भी मांग कर सकते हैं। फिर घरेलू हिंसा में सिर्फ महिला नहीं आती शादीशुदा, बल्कि वो महिलाएं भी आती हैं जो कि अपने माता पिता के साथ रह रही हैं या किसी भी रिलेटिव के साथ रह रही हैं। अगर उनके साथ भी कोई हिंसा होती है तो भी आप उसके अगेंस्ट कार्यवाही कर सकते हैं। ना केवल वह पीड़िता महिला बल्कि जो भी व्यक्ति इस बात से अवगत होता है कि ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है, तो आप लोग आके उसके संबंध में भी आप लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं। और एक अब तो वैसे है नहीं, मैंने सुने, लेकिन कानून के प्रावधान को वो सुनेंगे और जब उसकी गंभीरता को समझेंगे तो हो सकता है उनके दिमाग में ये बात आए कि हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना है। इस तरीके से हम बोल रहे वाद विवाद को रोक कर अपने समाज को स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि हम कुपोषण के लिए जंग लड़ रहे हैं। आप देखो, कुपोषण एक ऐसा विषय है कि कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, वो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, रोगों से लड़ने की उनकी रोधात्मक क्षमता उनके शरीर में कम हो जाती है, तो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और कुपोषण एक बार यदि वो क्रिटिकल हो गया, यदि उसमें कहना चाहिए कि सीवियर प्रोटीन की कमी हो गई या एनीमिया हो गया, उत्पन्न हुआ है। वास्तव में कहूं तो मेरा मन बहुत दुखी है। उसका कारण है हमारे ही आसपास पिछले एक हफ्ते पहले, आप सभी लोगों को जानकारी भी होगी, अष्टभुजी माता मंदिर के वहां पर कुछ बच्चे थे, छोटे छोटे 22 से 23 साल के बच्चे थे। कुछ नाबालिग लड़कों ने, उसमें से कुछ बालिग थे, अधिकतर बच्चे जो थे वो नाबालिग थे, एक लड़की के साथ बहुत जघन्य अपराध था। वो एक पब्लिक प्लेस था। तो मुझे इस बात का दुख था कि हम लोगों के होते हुए, समाज में कानून व्यवस्था होते हुए, किस बात की कमी है कि लोगों का इतना साहस बढ़ रहा है, स्पेशली जो नाबालिग बच्चे, इतना साहस बढ़ रहा है कि इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को इंसान की श्रेणी में नहीं, ऐसे लोग इंसान कहने लायक है भी नहीं। इन लोगों को कठोर सजा का प्रावधान तो होना ही चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है कि समाज में हम सुरक्षा, समानता और सम्मान का वातावरण क्यों नहीं निर्मित कर पाए। इसके लिए मुझे लगता है पुरुष तो जिम्मेदार है ही, कुछ हद तक समाज का जो अन्य वर्ग है, क्योंकि हम किससे उम्मीद कर सकते हैं, हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो शिक्षित है, जो खुद अवेयर है, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक हम दूसरों को भी अवेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम छोटे छोटे कार्यक्रमों को आयोजित करें, कई बार छोटे छोटे गांवों में भी शिविरों का आयोजन करें, लोगों को शिक्षित करें और विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, सूचना प्रसार के माध्यम से स्त्रियों के प्रति लोगों में सम्मान की भावना लाएं, उनके सामाजिक कार्यों और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दें। इसी तरह से एक बहुत ही एक केस हुआ था निर्भया का, जो मामला 2013 दिसंबर 2013 में हुआ था, उसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कई जो है कई संशोधन किए गए थे, जिसमें कि स्त्रियों का पीछा करना, दृश्यरतिकता, स्त्रियों पर लैंगिक शोषण के संबंध में कानून में प्रावधान आया था। हालांकि इससे सुधार तो है, कानूनों से सुधार है और इसके लिए और हम सतत अग्रसर भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई भी